एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। उर्स के मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह पहुँचे, जहां उन्होंने हजरत मकदूमे जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्ला अलैह के आस्ताने पर चादर पोशी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मकदूम साहब हमारे और बिहार सरकार के हाथों में ऐसी ताकत था कि सूबे बिहार में लोगों के बीच मिल्लत बना रहे, अमन बना रहे और हमारे राज्य का विकास दिन दुगनी और रात चौगुनी होती रहे। उन्होंने कहा कि बाबा का ऐसा दरबार है कि जहां से कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं लौटता। नालंदा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। दुआ मांगने आया था कि हम लोग के हाथ में, बिहार की सरकार के हाथ में ऐसी ताकत दें कि जो भाईचारा और प्रेम बना रहे, मिल्लत बना रहे, सौहार्द बना रहे और राज्य की तरक्की, राज्य का विकास दिन दूना रात चौगुना हो। ये बाबा से कामना के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो मन्नत लेके आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मुझे विश्वास और भरोसा है इस राज्य की तरक्की में, इस राज्य के विकास और इस राज्य में भाईचारा और प्रेम, आपसी सौहार्द को बनाए रखने में हम सब लोग कामयाब होंगे और बाबा का आशीर्वाद हम सब हमेशा लेते रहेंगे।